क्या 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए सबसे बड़े पावर कट के पीछे चीन का हाथ था, और क्या केंद्र सरकार ने पहले से अलर्ट राज्य सरकार को दिया था? केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हमारे साथ, ऊर्जा मंत्री सर, क्या है इन प्रश्नों का जवाब? मैं पहली बात, जो मुंबई में जो ग्रिड कोलैप्स हुआ अक्टूबर में, वो उसकी जांच हम लोगों ने कराई। हमारी दो टीम ने जांच की, स्पेशलिस्ट थे उसमें। पहले टीम ने पूरा जांच किया, उसके बाद एक और स्पेशलिस्ट टीम गई जो कि ये साइबर प्रॉब्लम, साइबर अटैक के भी क्वेश्चन को जांच किया। दोनों टीम का फाइंडिंग यह था कि जो ग्रिड कोलैप्स हुआ वो ह्यूमन एरर के कारण हुआ, उसमें साइबर अटैक का कोई रोल नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, क्या साइबर अटैक्स हुए? साइबर अटैक्स हुए। साइबर अटैक्स कहाँ कहाँ हुए? हमारे नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, सदर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, मुंबई में भी स्काडा सिस्टम पर हुआ। मुंबई में स्काडा सिस्टम पर जो हुआ उसका प्रति हमारी बात हुई है देशमुख साहब से, वो हमको एक प्रतिवेदन भेज रहे हैं, अपना रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो हमारी जो ये नेशनल एजेंसी है सर्टेन और NCIIPC, वो लोग भी फिर उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी टीम ने भी तो इन्वेस्टिगेट किया है। तो साइबर अटैक हुए और ये वनरेबिलिटी है, इसके बारे में नेटवर्क वनरेबल रहता है साइबर अटैक से, इसकी जानकारी हमको है, हमको थी, और हम लोगों ने इसके लिए कदम उठाए थे। दो साल पहले हमने समिति बताई थी, उसका प्रतिवेदन आया, उसमें कुछ कार्रवाई हुई। जुलाई में हमने कुछ ऑर्डर्स इश्यू कर दिए कि हाँ साहब, जो भी इक्विपमेंट जाएगा नेटवर्क में उसके किस प्रकार से टेस्टिंग होगी, तभी जाएगा। तो हम लोग अलर्ट हैं और हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, कोई भी हमारा दुश्मन या कोई भी रोग एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि कोई देश हो, कोई टेररिस्ट ग्रुप ही हो, वो लोग भी कर सकते हैं। तो हमें अलर्ट रहना होगा। क्या मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ, पावर फेलर हुआ, उसकी कोई पूर्व अंदेशा सूचना आप लोगों को थी? कोई एहतियात आप लोगों ने बरता था? नहीं, उसके कोई पूर्व सूचना होती तो हम लोग उसको ये प्रिवेंट नहीं कर देते। वो जो मुंबई में जो हुआ वो यह हुआ कि एक लाइन पहले से डाउन था जो मुंबई को पावर फीड करती है, एक और लाइन उन्होंने शट डाउन ले लिया तो पावर का शॉर्टेज हो गया। जो वहां लोकल जनरेशन था उसको जो ये शेड्यूल करना चाहिए था, वो ह्यूमन जजमेंट एरर्स हुए हैं, उसकी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिए। चीन का कोई हाथ नहीं? ये जहां तक साइबर ग्रिड कोलैप्स अलग है, उसमें चीन का कोई हाथ नहीं। साइबर अटैक हुए, कहां से आए उसका कुछ हमारे पास आईपी एड्रेस वगैरह है, और लेकिन वो कहां का है, वो ग्रुप कहां का है, इसके बारे में हमको सबूत नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जिस ग्रुप ने अटैक किया वो ग्रुप चीन का था, लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि नहीं साहब, तो वो ग्रुप चीन का ही था, चीन में ही था। यानी भारत सरकार सबूतों के अभाव में फिलहाल ये नहीं कह सकती है कि चीन ने साइबर अटैक किया, लेकिन इसके अंदेशे जरूर हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।